गैस आप सभी को पता है कि जो नमक आता है वो समुद्र के पानी से आता है। अगर पूरी पृथ्वी के समुद्र को सुखा दिया जाए तो कितना नमक निकल सकता है। या जो हिंदू धर्म में जो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने की जो परंपरा है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? आज की वीडियो में कुछ इसी तरह के 10 टॉपिक पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस बात कर लेते हैं नंबर एक की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था या आपको भी पता है कि जो हमारा पहला रॉकेट था वो साइकिल पर आया था लॉन्चिंग स्टेशन तक। लेकिन आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि जो हमारी पहली सैटेलाइट थी वो भी बैलगाड़ी से आई थी। बात कर लेते हैं नंबर दो की। भाई अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, जो मूवी वगैरह चलती हैं वो पेन ड्राइव वगैरह चल जाती हैं थिएटर वगैरह में। लेकिन पहले टाइम में क्या था कि जो मूवी चलती थी वो रील से चलती थी, मतलब रील को घुमाया जाता था और तब वो मूवी चलती थी किसी भी थिएटर में। तो उस समय पे मूवी आई थी टाइटैनिक, अपने समय की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी थी। थिएटर में वो इतनी चली कि जो उसकी रील थी वो घूमते घूमते वो रेल भी घिस गई थी। उसके बाद में पैरामाउंट पिक्चर्स ने वो फिल्म बनाई थी। पैरामाउंट पिक्चर्स को कुछ रील्स दोबारा भेजनी पड़ी थी थिएटर्स में, उस फिल्म की इतनी ज़्यादा डिमांड थी। और गाइस बात कर लेते हैं नंबर तीन की। ये जो हिंदू धर्म में जो सूर्य नमस्कार करते हैं, ये सभी बताते हैं कि बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो इसके पीछे वैज्ञानिक जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप सुबह को सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पानी से होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, और उससे होता क्या है कि जो हमारी आंखों की रोशनी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी आंखें भी सही रहती हैं, और जो सारी किरण जो वो निकल के पानी से हमारे शरीर पर पड़ती हैं हमारे शरीर को भी वो शुद्ध करती है। बस बात कर लेते हैं नंबर चार की। आप सभी जानते हैं कि जो नमक निकलता है समुद्र से निकलता है, समुद्र के पानी को सुखाया जाता है उससे नमक निकाला जाता है। लेकिन कभी दिमाग में ऐसा सोचा है कि मतलब अगर पूरी पृथ्वी के जितने भी समुद्र है सबको सुखा दिया जाए तो कितना नमक निकल सकता है? बस अगर ऐसा होता है कि सारे समुद्र सूख जाए तो उससे इतना नमक निकलेगा कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 500 फिट ऊंची, लगभग 500 फिट ऊंची परत बिछाई जा सकती है पूरी पृथ्वी पर नमक की, अगर सारे समुद्र सूख जाएं तो। बात कर लेते हैं नंबर पांच की। गाइस जी आपने कभी देखा हो कि पानी की बोतल पर ये एक्सपायरी डेट लिखी होती है? दरअसल ये जो एक्सपायरी डेट होती है ये पानी की नहीं होती, ये होती है उस बोतल की, कि मतलब इस टाइम से पहले इस बोतल को यूज करके और इसको रिसाइकल के लिए आप किसी डस्टबिन वगैरह में डाल दें, इसके बाद में ये बोतल जहरीली हो जाएगी। दरअसल प्लास्टिक को जितना ज़्यादा लंबे यूज करेंगे उतनी ही जहरीली होती चली जाती है। बस बात कर लेते हैं नंबर छह की। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि आप पानी के अंदर कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, कोई मुझसे पूछे तो मेरा जो रिकॉर्ड है लगभग 45 या 50 सेकंड का हो सकता है मैक्सिमम, सिर्फ इतना ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि जो सबसे ज्यादा पानी में रोकने का जो रिकॉर्ड है सांस को वो 24 मिनट का है। कुछ लोग बाग 24 सेकंड मुश्किल से रोक पाते हैं, और 24 मिनट रोकना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बात कर लेते हैं नंबर सात की। हमारे भारत में अभी अगर इंटरनेट की बात करें तो आधे से आधे लोगों पर ही इंटरनेट पहुंच पाया अभी तक। लगभग 35-30% भी मुश्किल से होगा जिन पर इंटरनेट की पहुंच हो पाई है। लेकिन नासा ने चांद पर भी वाईफाई की सुविधा दे दी है और स्पीड भी इतनी अच्छी दी है, लगभग 19 Mbps की स्पीड लगभग चांद पर भी प्रोवाइड करा दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर चला ले, पहले बात तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन जो साइंटिस्ट जाते हैं उनको यूज करने के लिए वहां पे लगभग 19 Mbps की स्पीड से वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। बात कर लेते हैं नंबर आठ की। गाइस हमारे इंडिया में कोई भी धर्म हो कान छिदवाने की परंपरा है, सभी ने छिदवा देते, कोई भी अपनी मर्जी से छिदवा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो छिदवाना ही छिदवाना है, अपनी मर्जी से कोई भी छिदवा सकता है। दरअसल लोगों का मानना ये है कि कान छिदवाने से हमारे सोचने की शक्ति होती है वो बढ़ती है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारे दिमाग की जो ब्लड वाली जो नसें होती हैं वो कुछ नसें हमारे कान से होकर के जाती हैं। तो कान को छिदवाने से क्या होता है कि
जो वो नशे होती हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलता रहता है और हमारा दिमाग शांत रहता है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। बात कर लेते हैं नंबर 9 की। गाइज, चूहे तो सबके घर में होते हैं, लेकिन इसका जो एक फैक्ट, ये चूहे के बारे में जो एक फैक्ट है ये है कि अगर चूहे को आप 4 या 5 मंजिल से ऊपर से भी फेंक देंगे तो उसके चोट नहीं लगेगी। उसकी बॉडी कुछ इस तरह की बनी होती है, कुछ लचीली ऐसी होती है कि इतनी भी ऊंचाई से वो गिर जाएगा तो उसको चोट नहीं लगती, वो गिरेगा उठ के और भाग जाएगा। बात कर लेते हैं नंबर 10 की। वैसे पर्यावरण को बचाने की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है ऑक्सीजन की, कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं तो हमें पेड़ों को लगाना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन बनी रहे। लेकिन इसके भी एक लेवल होता है कि हमें कहाँ तक बनाकर रखनी है। 21% है ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल लेवल में चल रही है, तो इतना ही ये बना रहना चाहिए। अगर आप इसको 21 से बढ़ा के आप मतलब इतनी हरियाली कर दें कि आप 21 से बढ़ा के आप इसको 100% पर कर दें ऑक्सीजन को, तो ये जहरीली हो जाएगी और नई नई तरह की बीमारी और लोगों की मौत का कारण भी ये ऑक्सीजन ही बन जाएगी। इसीलिए ऑक्सीजन को बैलेंस में रहना भी ज़रूरी है। पेड़ लगाएं, अच्छी बात है, ऑक्सीजन बनी रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस में रखें, उससे ज़्यादा अगर वो हो जाएगी तो वो जहरीली भी हो सकती है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सभी के साथ शेयर जरूर करना।